अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग संडे का व्लॉग है और सुबह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह हो रही थी बारिश, और बारिश जो है ना, मतलब कि ऐसा हो रहा है कि एक दिन हो रही है और एक दिन धूप निकल रही है। लेकिन मौसम जो है ना, काफ़ी बहुत जो है ना बेहतर हो चुका है। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी यह है कि पंखे के बगैर भी आप बैठ सकते हैं, कि इतना ज़्यादा मौसम चेंज हो गया हुआ है। और सुबह सुबह यही होता है कि घर की वही नॉर्मल रूटीन के क्लीनिंग वगैरह होती है, और कपड़े वगैरह जो होते हैं ना, वो मैं प्रेस करवा के तो रख रही थी कबर्स में, क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह 2 दिन से नहीं प्रेस हुए थे। 3-3 यूनिफॉर्म है इनके, और मैं तीनों जो है ना संडे वाले दिन प्रेस करवा देती हूँ। फिर ये है कि एक दो दिन ना भी कपड़े प्रेस होना तो दिन निकल जाता है। हेल्पर जो है वो चली गई थी, तो उसके बाद मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ वही आलू के पराठे। पिछले संडे को भी मैंने बनाए थे ले, और इस संडे को भी मैंने कहा बच्चों को अच्छे लगते हैं तो मैं इस संडे भी बना लेती हूँ। आज मैंने कहा मैं ना आलू वाला स्क्वायर पराठा भी ट्राई करती हूँ। तो ये जो लास्ट वाला पराठा था ना, ये मैं स्क्वायर बना रही थी। मुझे लगा कि शायद नहीं सही बनेगा, लेकिन नहीं, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। बस थोड़ा सा जो है ना इसकी शेप ख़राब हुई, वो इस वजह से कि आटा जो है ना मैंने ताज़ा ही गूँधा था, और ताज़ा आटा जो है ना वो हमेशा मुझसे जो है ना ख़राब हो जाता है, उसकी रोटी मुझसे सही नहीं बनती है। बहरहाल जो है ना स्क्वायर पराठे से मिलता जुलता जो है ना बन गया था, और बड़े मज़े का बना था, क्योंकि इसके किनारे नहीं थे, इसके हर किनारे तक जो है ना आलू की फीलिंग जो है ना पहुंच गई हुई थी। बहुत मज़े का बना था। सुबह बारिश हो रही थी और दोपहर को अच्छी खासी धूप लग रही हुई थी, और मैं और अब्दुल्ला जो है ना आज जा रहे थे, इतवार है तो इतवार बाज़ार जा रहे थे, क्योंकि एक घर में कुछ चीज़ें ख़त्म थी वो भी लेनी थी। मैंने कहा सब्जियां फ्रूट वगैरह भी ले लेंगे, और अब्दुल्ला को ना मुझे स्नीकर्स लेके देने थे, और पास ही शॉप है वो, और उसके अलावा उसे मुझे ना फुल बाजू शर्ट्स भी जो है ना वो लेके देनी थी। स्नीकर्स वाली शॉप और जो उसको मुझे कपड़े लेके देने थे ना, वो भी इतवार बाज़ार के बिल्कुल पास ही हैं शॉप्स। तो मैंने कहा अभी जा रहे हैं तो पहले इतवार बाज़ार जाएँगे, और उसके बाद जो है ना अब्दुल्ला को दिलाऊँगी स्नीकर्स और शर्ट्स वगैरह। संडे एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन टाइम होता है कि बंदा बाहर जाके कोई काम करना हो तो कर सकता है, अदरवाइज़ अगर दूसरे दिनों में बाहर जाना पड़ जाए ना तो टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह जब बारिश हो रही थी ना, तो फुल आसमान ढका हुआ था बादलों से, और अब अल्लाह पाक की कुदरत देखी कि अब आसमान बिल्कुल साफ़ है। कहीं कहीं को बादल नज़र आ रहा है, लेकिन बिल्कुल साफ़ है नीला। सुबह के टाइम अगर आए ना इतवार बाज़ार तो इतना रश नहीं होता, लेकिन हम आए थे तकरीबन 4 बजे और बहुत ज़्यादा रश था, कि मतलब मेरा तो बिल्कुल भी खड़ा होने का दिल नहीं कर रहा था। एक गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा रश बहुत ज़्यादा था। घर से बैग लाने का याद नहीं था रहा, और फिर इधर ना एक भाई जो है ना वो बेच रहे थे बैग, तो उनसे ना हमने फिर ये बैग ले लिया। वो भी उसके ऊपर भी ना अल्फतेह का लोगो लगा हुआ था, मैंने कहा शायद ये अल्फतेह वालों के बैग्स हैं जो इसने पता नहीं कहाँ से खरीद लिए और ये बेच रहा है। ऑयल जब भी मुझे ना हांडी वगैरह में डालना होता है ना, तो मैं बॉटल से ही डालती हूँ, जो ऑयल की बॉटल होती है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए ना 1 लीटर या 1/2 लीटर वाला कोई जग ले लेती हूँ, ताकि उसमें मैं डाल लिया करूँ, और उससे फिर जो है ना मैं हांडी वगैरह में डाल लिया करूँ। और एक इसके पास 2 लीटर वाला था और एक 1 लीटर वाला, फिर मैंने 1 लीटर वाला ले लिया। और इधर से जो है ना ये मुझे स्टील के ग्लास अच्छे रख रहे थे, ये मैंने 4 लिए थे। और मुझे अपने दुपट्टों के लिए ना 2-3 मेरे पास दुपट्टे हैं, उनके लिए लेसिस लेनी थी, और इधर ना लेसिस बड़ी मुनासिब मिलती हैं, मगर ये है कि ढूंढनी पड़ती हैं। इधर लेसिस की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं,
बाहर से जो लेस 100 रुपये की या 150 रुपये की मिलती है ना, वो इधर 40 या 50 रुपये की 1 मीटर मिल जाती है। और इधर ना अब्दुल्ला के लिए मैं स्टिच देख रही थी कि अब्दुल्ला को ना मैं स्टिच करवा दूँगी, उसने पहले भी स्टिच करवाए थे ना तो बड़े अच्छे जो है ना उसको लगते हैं। अभी मौसम भी ऐसा है कि फुल स्लीव पहनी जाएंगी, तो मैं कलर कोई और देख रही थी। और अब्दुल्ला ना मुझे कभी हाफ वाइट दिखा रहा था, कभी स्काई ब्लू दिखा रहा था, तो मैं उसको कह रही थी कि तुम्हें क्यों वो बाबों वाले कलर पसंद आ रहे हैं, तुम थोड़ा डार्क कलर लो। तो कह रहा था नहीं मैंने ये हाफ वाइट लेना, ये वाला जो हाफ वाइट सामने पड़ा हुआ है। लेकिन इसका ना मुझे कलर नहीं अच्छा लग रहा था, कपड़ा ठीक था लेकिन मुझे हाफ वाइट अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अब्दुल्ला ने तो 2 दिन में इसको जो है ना मतलब कि दोबारा पहनने के लायक नहीं छोड़ना था, कि इतने ज़्यादा वो कपड़े गंदे करता है। और एक भाई ने ना इधर स्टॉल लगाया हुआ था जो ब्रांडेड का पीस होते हैं ना उनका, तो उनसे ना मैंने फिर ये वाला जो टाई एंड डाई का था ना वो मैंने 2 पीस ले लिया। और कुछ वेजिटेबल्स ली, कुछ मेडिसन्स लेनी थी वो फिर मैंने ली। और फिर जब घर आया ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था कि मैंने अभी असर की नमाज़ पढ़ी और साथ ही मगरिब की अज़ान शुरू हो गई। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मेरी आदत है, रोज़ की आदत है कि मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, जितना भी मेरे पास टाइम हो 5-10 मिनट का तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। और ये जो शर्ट्स हैं ना ये मैं अब्दुल्ला के लिए कहेंगे कि वर्साची की बनी हुई है, और मतलब वर्साची का सिर्फ लोगो लगा हुआ है, ब्रांड वो नहीं है, वर्साची का बस लोगो है। और एक दूसरी वाइट वाली है, उधर काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने इसको बोला था कि और भी देख लो, क्योंकि बार बार मुझसे नहीं ली जाती हैं, तो एक ही दफ़ा 3-4 जो लेनी है ले लो। कैसा नहीं मुझे बस पसंद ही ये 2 आई हैं। और वो वाइट वाला ट्राउज़र लिया था उसका। और ये हरी मिर्चें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि 150 के एक पाव हैं, कि मुझे तो हैरानी हो रही थी कि मैं जब पहले मैं लेके आई थी मैं 150 की केजी लेके आई थी और अभी 150 की पाव हैं। और ये अब्दुल्ला को जो है मैं निकल्स लगा लेके दिए थे और ये भी मुनासिब भी मिल गए थे। और अभी इधर ही करेंगे मैं अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज खाने में मैंने रात में कुछ नहीं बनाया था, अम्मी के घर से आ गया था आलू करेले का सालन और साथ में रोटी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।